Hi, good morning students. Let us learn one important concept from chemistry, redox reactions. Actually, we have a separate chapter, redox reactions, in 11th chemistry. Quite an important chapter. It is base for a chapter, electrochemistry, in chemistry, which we are going to discuss in 12th. 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा लेंथी चैप्टर है बेटा विथ मैक्सिमम वेटेज. उस चैप्टर के लिए ये रेडॉक्स रिएक्शंस करके बेस चैप्टर होगा जो हमें 11th में स्टडी करना है. सी वी डू नो द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. एम आई राइट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये पता है बेटा आपको. और थोड़ा सा लिंक लगाने के लिए एज अ ब्रिज वो शॉर्ट में डिस्कस करता हूं. ऑक्सीडेशन इट इज द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन एड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा. राइट? या सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये भी चलेगा. अपोजिट टू ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन. बिल्कुल ऑक्सीडेशन के अपोजिट रिडक्शन होता है. क्या? इट इज द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे भी हम रिडक्शन कहते हैं. या इन शॉर्ट रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके? But in this particular concept, redox reactions, we have to discuss reduction and oxidation reactions on the basis of modern electronic या electron transfer concept. इस point में हम reduction and oxidation reactions in terms of electron transfer concept के form में discuss करने वाले हैं बेटा, जिसमें loss and gain of electron होगा. तो सबसे पहले सी व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन. क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट. सी ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय अ स्पेसिस दैट इज एटम आयन और अ मॉलिक्यूल. अगर किसी प्रोसेस में कोई स्पेसिस एखादा एटम आयन या मॉलिक्यूल जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. बट शॉर्ट में देखो बेटा इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. इस तरह से भी चलेगा. ऑक्सीडेशन इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्पेसिस. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्पेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहां देखो बेटा इलेक्ट्रॉन और एस को हमने ब्रैकेट में लिखा है. इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं. ब्रैकेट में अगर हम एस लिखते हैं तो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म कोई भी हम ले सकते हैं. ठीक है, चलो. ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्पेसिस. अगर कोई स्पेसिस एटम आयन या मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा. एंड ऑक्सीडेशन में ऑकर इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम कैटायन एज वेल एज पॉजिटिव आयन. जैसे Na गिविंग Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन. यहां वन इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट बाय सोडियम एटम तो वी से इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम. Fe2+ फेरस आयन व्हेन लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe3+ आयन फेरिक आयन. यहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वी से फेरस आयन उनका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. इवन निगेटिव आयन लाइक 2Cl- गिविंग Cl2+2 इलेक्ट्रॉन. यहां भी क्लोराइड आयन्स दे हैव अंडरगॉन ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है बेटा रिडक्शन. पता है हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दे आर ऑलवेज अपोजिट. तो यहां क्या होगा? इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्पेसिस. What is reduction? Gain of electron या electrons by a species. अगर कोई atom, ion या molecule electrons gain करता है, accept करता है तो इसे उसका क्या हो गया? Reduction. It has undergone reduction. So gain of electron या electrons by a species, it is reduction. कुछ example देखते हैं बेटा. जैसे oxidation में
उसी तरह से न्यूट्रल एटम, कैटायन या नेगेटिव आयन, कोई भी स्पीसीज, इट कैन अंडरगो रिडक्शन. देखो बेटा, Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 Cl minus आयन्स. क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, सो वी से क्लोरीन हैज अंडरगॉन रिडक्शन. यहां क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ था, यहां क्लोरीन का रिडक्शन हो गया. सिमिलरली Cu1 plus plus 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, cuprous ion Cu1 plus when accepts one electron gives neutral copper atom, it is also reduction of cuprous ion. Even O minus plus one electron giving O2 minus, O1 minus, it is called as superoxide ion कहते हैं. जब O एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, we do get oxide ion O2 minus. तो यहां भी O minus का क्या हो गया, reduction. So in this way, oxidation involves loss of one or more electrons, whereas reduction involves gain of one or more electrons. Okay? अब हम देखते हैं what is a redox reaction. बिल्कुल ठीक से समझो बेटा, बहुत important point है. You will find no oxidation or reduction reaction occurs individually or separately. कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन हो गई. यू विल फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, ऑलवेज प्रोसीड हैंड इन हैंड. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कभी भी इंडिविजुअली या सेपरेटली नहीं होती. सिर्फ किसी का ऑक्सीडेशन हो गया या किसी का रिडक्शन, इम्पॉसिबल. दे ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, दे प्रोसीड हैंड इन हैंड, यानी वो एक साथ चलती है. If one species undergoes oxidation, 100% there must be some other species undergoing reduction. अगर किसी species का oxidation होता है ना बेटा, तो 100% वहां किसी का तो भी reduction होता ही होगा. या if one species undergoes reduction, definitely there is some another species undergoing oxidation. सिर्फ oxidation या सिर्फ reduction कभी नहीं होगा. किसी का oxidation होता है तो साथ ही में किसी और का रिडक्शन भी होता होगा, या वाइस वर्सा. सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन देन? देखो डेफिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. जैसे अभी मैंने कहा, सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियसली हो जाते हैं. इसीलिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं, बल्कि इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन कभी भी होता नहीं. तो फिर से देखो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. सो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन का कॉम्बिनेशन, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन. विद हेल्प ऑफ वन सिंपल एग्जाम्पल स्टडी करते हैं बेटा. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है. कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड या मॉलिक्यूल. हमें पता है 2Na plus Cl2 gives 2NaCl. जब दो सोडियम एटम्स एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं, हमें दो सोडियम क्लोराइड्स के मॉलिक्यूल मिलते हैं, राइट? अब इसका फॉर्मेशन, इट इज द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल विच कैन एक्सप्लेन रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन. कैसे, देखते हैं बेटा. सी, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, वैलेंस शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है. सो व्हेनेवर सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Na प्लस आयन एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 28, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनता है, लाइक इनर्ट गैस, और आपको पता है ये. सो यानी 281 गिविंग Na प्लस 28 प्लस वन इलेक्ट्रॉन. यहां सोडियम हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. इन अ सिमिलर वे क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल होते हैं, इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट.
एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. सो क्लोरीन हैज वेरी हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम को होती है हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो Cl 287 एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू Cl-288. अब यहां देखो बेटा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट देयर मस्ट बी समवन टू एक्सेप्ट इट. वो हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा, एटमोसफेयर में छोड़ दे इलेक्ट्रॉन तो फिर केमिस्ट्री ही नहीं बचेगी, राइट? तो व्हेनेवर सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, दैट इलेक्ट्रॉन इज इमीजिएटली एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन एटम टू फॉर्म Cl-. एंड या दोनों भी दे गेट देयर ऑक्टेट्स कंप्लीटेड, अपने अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट करेंगे. इसके लिए सोडियम undergoes oxidation by loss of electron and chlorine undergoes reduction by gain of electron. Now, two Na+ ions and two Cl- ions, when combined together, they form two Na+ Cl-. या हम simply two NaCl भी लिख सकते हैं बेटा. Na+ Cl- इस तरह से भी चलता है, लेकिन ज्यादातर for the sake of convenience, it is simply written as two NaCl. तो देखो यहां 2Na+Cl2 गिविंग 2NaCl, ये इक्वेशन हमने लिखा था, बट एक्चुअली उसमें क्या होता है बेटा, दो सोडियम के एटम्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2Na+ आयन फॉर्म करेंगे. क्लोरीन के दो एटम्स वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, दो क्लोराइड आयन्स फॉर्म होंगे. एंड व्हेन 2Na+ विल कंबाइन विद 2Cl- वी गेट 2NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल. ओके, और अगर ये रिएक्शन आप ठीक से देखते हो तो यहां आपको दिखाई देगा कि दस इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में क्या हुआ बेटा, सोडियम हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड क्लोरीन हैज अंडरगॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन.